हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RBSE ऑनलाइन क्लास में। आज से हम क्लास टेंथ के जितने भी पेपर होने वाले हैं, यानी RBSE बोर्ड परीक्षा 2023 के जितने भी पेपर होने वाले हैं कक्षा 10वीं के लिए, उनकी तैयारी शुरू करवा रहे हैं। तो आप सभी हमारे चैनल पर यदि नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज हम क्लास टेंथ इंग्लिश का पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं 16 मार्च 2023 के लिए। जो है ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, यानी आपके जो है एग्ज़ाम है 16 मार्च से जो है बोर्ड परीक्षा आपकी शुरू हो रही है, और 16 मार्च 2023 को जो है यहाँ पर पहला जो आपका पेपर है वो इंग्लिश का है। और इंग्लिश विषय के लिए, जबकि जो है यूजली यही प्रॉब्लम है, सभी जो है यहाँ पर स्टूडेंट इंग्लिश की ज़्यादा से ज़्यादा जो है यहाँ पर टेंशन लेते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए बहुत ही कम पढ़ाई करते हैं। बाकी हिंदी जो भी सब्जेक्ट है उन सभी के लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन इंग्लिश के लिए उनको ये पता नहीं रहता कि क्या पढ़े तो क्या पढ़े, हम पढ़ सकते हैं लेकिन क्या पढ़े उनको ये पता नहीं रहता है। तो स्वागत है ऐसे स्टूडेंट का हमारे इस चैनल पर। तो यहां पर आज हम इंग्लिश का ऐसा पेपर सॉल्व करने वाले हैं, और इस वीडियो को, इस क्लास को संपूर्ण देखने के बाद ये मैं आपको एहसास करवाता हूं, ये आपको इस अभी मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, इस वीडियो को एंड तक, इस क्लास को एंड तक देखने के बाद आपको महसूस होगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट सबसे सिंपल सब्जेक्ट है, और मेरे जो है इस इंग्लिश सब्जेक्ट में 80+ आ सकते हैं, और सिर्फ इस वीडियो को, इस क्लास को देखने के बाद। सिर्फ मैं 2-3 क्लास अटेंड करने की बात नहीं कर रहा हूं, इस एक पूरे के पूरे इस संपूर्ण पेपर को जब तक हम हल कर नहीं देते, तब तक आपको यहां पर यह एहसास नहीं होगा कि इंग्लिश विषय कठिन है, ठीक है, या सिंपल है। यहां पर अब जो है, यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश पेपर के लिए, तो 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, यानी 80 मार्क्स का क्या रहेगा, आपका पेपर रहेगा। यहां पर समय जो यहां पर जो है पहले कम था, लेकिन अभी जो है यहां पर सामान्य हो चुकी है स्थितियां, तो 3 घंटे 15 मिनट का आपका पूरा का पूरा पेपर होगा। अच्छे से प्रॉपर आपको टाइम मिल रहा है यहां पर बोर्ड परीक्षा पेपर लिखने के लिए। अब यहां पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन, अलग अलग सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन है, और रीडिंग सेक्शन में क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको बोर्ड परीक्षा का ये हुबहू प्रश्न पत्र है, ये बोर्ड परीक्षा के लिए हुबहू प्रश्न है, ऐसा का ऐसा पेपर आपको बोर्ड परीक्षा 2023 यानी 16 मार्च 2023 के दिन जो आपका आपके लिए जो पेपर आएगा वो इसी पेपर पैटर्न के आधारित रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझना है आपको, सबसे पहले आपको पैसेज आएगा, जिन्होंने मेरा तरीका जान लिया है, क्योंकि मेरे खुद जो है यहाँ पर 12th टॉपर स्टूडेंट हूँ रहा हूँ, ठीक है, 2020 में जो है टॉपर था मैं, ठीक है, 12th स्टूडेंट था, तो यहाँ पर इंग्लिश में टॉपर था और 10th में भी काफ़ी अच्छे यहाँ पर नंबर्स है इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर पैसेज करने का मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता रहा हूँ, और ये तरीका आपने जान लिया तो आपके 100% यहाँ पर 100 में से यहाँ पर मान सकते 80 नंबर 100% आएंगे, यहाँ पर 10-15 नंबर का आप मान सकते कहीं से कट सकते हैं। तो यहाँ पर करने का क्या तरीका है, आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है। बहुत सारे यहां पर टीचर्स भी बोलते हैं कि सबसे पहले पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़े, यानी यहां पर लिखा भी हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, लेकिन आपको मैं जो कह रहा हूं वो करना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट अनयूजुअल टू सी दिस डेज, ठीक है, यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इंग्लिश यहां पर समझ नहीं आती है, पढ़ने आ सकती है लेकिन समझनी नहीं आती है। तो मैं उन स्टूडेंट के लेवल के तक के लिए बात करूंगा, क्योंकि जिनको समझने आती है, जिनको अच्छी तरह से पढ़ने आती है तो बेस्ट है, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बस इसको समझे, लेकिन मैं उन लेवल स्टूडेंट के लिए बात करूंगा जिनको समझे, ज्यादातर स्टूडेंट है जिनको समझ में इंग्लिश नहीं आती है, इंग्लिश एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को वो मानते हैं, लेकिन आपको नहीं मानना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पीपल आर रिगार्डलेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्वेड, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, व्हाई डू पीपल टेक रिस्क, व्हाट लीड्स टू ट्रिगोनोमिक सिचुएशंस, ठीक है, यहां पर जो ट्रिगोनोमिक जो सिचुएशन है, यानी वो दुखद स्थिति को लेकर यहां पर शब्द प्रयुक्त किया हुआ है, आपको हिंदी यहां पर जानने की आवश्यकता नहीं है, पैसेज में आपको किसी प्रकार की अंग्रेजी की ज्यादा जानकारी नहीं होगी, तो आपके नंबर पूरे आएंगे, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपने अच्छे से क्या कर लिए, क्वेश्चंस को पढ़ लिए, ठीक है, समझने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको क्या करना है, इसमें जो यहां पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज नॉट अनयूजुअल टू सी दिस डेज, इसमें जो मेन जो वर्ड है ना,
इसको ध्यान रखना है, जो मेन जो वर्ड है ना उसको आपको इस पैसेज में फाइंड करना है, और जो वो जो मेन वर्ड है ना, जैसे अनयूजुअल टू सी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हुबहू यहाँ पर दिख रहा है अनयूजुअल टू सी पीपल। अब ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं लिसनिंग टू म्यूजिक एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे और यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी बोथ ए एंड बी ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शन क्या है सही है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा, ये आपका एक नंबर आएगा। न तो हमने इंग्लिश को समझा है, न हमने इस क्वेश्चन की हिंदी बनाई है, लेकिन हमने ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर पता कर लिया। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हैं पीपल आर रिगार्डलेस टू रिस्क इन्वॉल्वेड, ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसका आंसर पैसेज में नहीं है, चाहे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे जो सिमिलर जो वर्ड वाले जो क्वेश्चन है उनका भी आंसर आपको इसी में मिलेगा, और जो ऑपोजिट वाला जो क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपको इस पैसेज में मिलेगा। इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा, इसके लिए आपको इस शब्द को समझना होगा, जैसे सरप्राइज रहे तो आपको हिंदी आनी चाहिए कि इसका जो हिंदी शब्द है वो क्या हो रहा है, हिंदी अर्थ हो रहा है आश्चर्य संकेत, तो ऐसा पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ क्या हो रहा हो, आश्चर्य संकेत हो रहा हो, तो हम इसको सर्च करेंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा ऐसा शब्द हो सकता है, तो यहां पर आपको एक दिख रहा होगा वंडर, ठीक है, तो वंडर का हिंदी जो अर्थ है वो भी क्या होता है, यहां पर आश्चर्य संकेत होता है, तो इसके लिए आपको हिंदी अर्थ आना चाहिए। तो ये दो क्वेश्चन के आपके किसी के नंबर यहां पर कट सकते हैं, लेकिन आपको कंफर्म कर लेना है, एक बार अच्छे से समझ लेना है। राइट ऑपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, तो हॉट है, हॉट का आपको नॉर्मल एक वर्ड है हॉट, तो हॉट का होता है गर्म, तो ऐसा यहां पर कौन सा शब्द है जिसका अर्थ यहां पर ठंडा हो, तो यहां पर आप देख सकते हैं, तो यहां पर हाउ कूल दे आर, तो इसमें जो कूल है ना उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ठंडा होता है, यानी शीत होता है। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं, अब दो जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको लिखना होगा, तो व्हाई डू द पीपल टेक रिस्क व्हाट लीड टू इकोनॉमिक सिचुएशंस, तो इनका भी यहां पर आप देख सकते हैं पीपल टेक रिस्क, ये क्या है मेन वर्ड है, इसको सर्च करना है आपको यहां पर पैसेज में, एंड यहां पर देख सकते हैं पर तो मेन वर्ड यही है ये सिचुएशंस वाला, तो इसको आपको यहां पर सर्च करना होगा, तो इससे आपका क्या हो जाए, जो क्वेश्चंस का जो आंसर करने का जो तरीका है, आंसर फाइंड करने का जो तरीका है, वो बहुत ही क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से आप करेंगे तो पैसेज यहां पर इंग्लिश में अच्छे नंबर के लिए जो है यहां पर 100%, क्योंकि आपके 4 से 5 पैसेज आपको दिए गए और यहां पर 4 से यानी 25 नंबर में से आपके 24-23 नंबर आराम से जो है यहां पर आ जाएंगे, ठीक है, ये आपको गारंटी है, तो यहां से आपके कवर हो जाएंगे अच्छे नंबर। सेकंड भी यहां पर आप देख सकते हैं एक अच्छा सा एक पैसेज ही है जो कि बचपन को लेकर है, सिलडूट को लेकर है, यहां पर आप देख सकते हैं आपको पूरा का पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना है सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़े, फिर आपको क्वेश्चंस को जो मेन वर्ड है वो आपको सर्च करना है पैसेज में, और आपके आराम से सभी क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, टू सिंपल, बहुत ही सिंपल से आप कर सकते हैं। ध्यान रखना है आपको यहाँ पर जो अमेजिंग है, ऐसे जो सिमिलर वर्ड है एंड जो यहाँ पर ऑपोजिट वर्ड है इंसेनिटी, ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार के जो शब्द है इनको भी आपको ढूंढने की कोशिश करनी है, नहीं आता है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको इक्वेशंस पढ़ने हैं, ऑप्शंस वाले कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आप आसानी से कर सकते हैं। 16 मार्च 2023 को जो आपका पेपर होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट होगा, इंग्लिश का पेपर है, आपको आराम से देना है, घबराना नहीं है अच्छे से आपको, ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो इंस्ट्रक्शंस होने वाला है वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से और 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट जो मॉडल पेपर है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, वो हमारी वेबसाइट www.rgstudymonitor.com, ठीक है, ये जो है इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इस वेबसाइट पर पूरा का पूरा कंटेंट दिया गया है और हमारे चैनल के माध्यम से आपको टाइम टू टाइम अब जो है रोजाना क्लासें मिलेंगी सभी सब्जेक्ट के लिए, मेन फोकस हमारा इंग्लिश पे रहेगा क्योंकि आपकी इंग्लिश में अच्छे स्कोर होने चाहिए, अच्छी स्कोरिंग हम करवाएंगे, ये आपका जो है हमारा प्रॉमिस है। बाकी हमारा जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर न्यू टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप सभी के लिए बनाया है, जो आरबीसी 10th क्लास जो न्यू स्टूडेंट है जो बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए जितने भी इंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट जो अपडेट है, इंपॉर्टेंट जो पेपर है विद सॉल्यूशन, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेक्शन जो बी रहेगा
रहेगा वो रहेगा राइटिंग का, राइटिंग का, जिसमें आपको लेटर लिखना होगा, एप्लीकेशन लिखनी होगी, लेटर लिखना होगा, स्टोरी लिखनी होगी, पोस्टर जो राइटिंग होती है वो आपको करनी होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेटर दिया गया है आपके सामने, इमेजिन दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ईमेल लेटर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ईमेल लेटर दिया गया है जो कि एडिटर से रिलेट में है, यू आर मोना मनीष, ठीक है। यदि आप मेल हो, यदि आप मेल हो तो आपको यहाँ पर मनीष यूज करना है, और यदि आप फीमेल हो तो मोना, इसकी जगह आपको आपका नाम जो है नहीं लिखना है। इसका भी बहुत ही जो है ज़्यादा यहाँ पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, जो एक कापी चेक करेगा वो ध्यान रखेगा, और इससे आपके नंबर भी कट सकते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, जो नाम दिया गया है वो आपको राइट करना है। तो ईमेल लेटर का जो फॉर्मेट है, यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, आपको सभी लेटर, ईमेल लेटर, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, इन सभी का आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि यदि फॉर्मल लेटर आता है तो आपको किस प्रकार लिखना है, इनफॉर्मल लेटर आता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, और ईमेल लेटर आता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। आपको एक एक यहां पर लेटर याद करने की या रटने की कोशिश नहीं करनी है। यही स्टूडेंट में जो यहां पर सबसे जो यहां पर बैक पॉइंट जो है, वीक पॉइंट यही है कि वो स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको रट्टा मारते हैं, जैसे एक लेटर उसको पूरा का पूरा याद करते हैं, और एग्जाम में यदि कोई दूसरा भी आता है तो उसी को यहां पर लिखते, जो याद किया वो वही यहां पर लिख डालते हैं, जिससे आपके पूरे के पूरे नंबर कट जाते हैं। कुछ नहीं करना है, आपको स्ट्रक्चर तैयार रखना है, ठीक है। जैसे यहां पर ईमेल लेटर है तो उसका आपको पता है स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बनेगा, इसी प्रकार से आपको पता है बनेगा, और यहां पर टू टू आ जाएगा, सीसी आ जाएगा, यहां पर बीसीसी आएगा, और यहां से आपको यहां पर ईमेल क्या करना है, स्टार्ट करना है, और नीचे जो फॉर्मेट आ जाएगा। तो ये जो है यहां पर पूरा का पूरा आपके सामने सही होना चाहिए, ये आपको स्ट्रक्चर पूरा लिखना आना चाहिए। ये यदि आपको लिखना आता है तो आपको दो तीन नंबर कंफर्म है, बाकी आप जितना जैसा लिखते हो उसके आपको दो नंबर मिल जाएंगे, इस प्रकार से आपके अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब यहां पर स्टोरी भी राइट करने का आता है, बाकी यहां पर आउटलाइंस दी गई है, उनको आपको फिल करना है, एंड यहां पर आप देख सकते हैं कौन सा पैराग्राफ कौन सा आ सकता है। तो अब की बार जो यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो वाला जो यहां पर काफी ट्रेंडिंग है, और यही आ सकता है, 100% दावा है आ सकता है, ठीक है, मे बी सांस है कि पैराग्राफ जो है यहां पर इसी पर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, एक यहाँ पर राइट ए पैराग्राफ माय फेवरेट टीचर, तो ये नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। माय फेवरेट टीचर, माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल टॉपिक पर आपको पैराग्राफ नहीं आएंगे। अब फिर यहाँ पर सेक्शन सी है ग्रामर, जो कि आप सभी का दुश्मन है, ग्रामर आप जो है अपनी दुश्मन मानते हो, ठीक है ना, लेकिन ग्रामर बहुत ही सिंपल है, ग्रामर में आपको ज़्यादा उलझना नहीं है, सबसे लास्ट में आपको ग्रामर करनी है। मैं आपको यही एक एडवाइस दूंगा कि सबसे लास्ट में सेक्शन सी करना है, सबसे लास्ट में आपको सेक्शन सी जो है रखना है, बाकी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी जो है आप सबसे पहले करिए, लेकिन जो ग्रामर वाला जो सेक्शन है वो आपको सबसे लास्ट में सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पर आपको पता होगा इसमें आपको काफी सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको ऑप्शंस भरने हैं, जिसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, लास्ट के जो यहां पर 20-30 मिनट है उसमें आप इसमें जो यहां पर उलझ सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं आई गो टू जयपुर यस्टरडे, तो ध्यान से पढ़ना है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यस्टरडे, यानी आपके क्या है, ये पास्ट टेंस का यहां पर क्या है सेंटेंस है, समझना है। तो पास्ट टेंस के लिए कौन सा यहां पर वर्ब जो है, कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, तो आपको पता होना चाहिए वर्ब गो, वेंट, गॉन, ठीक है, इसकी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यहां पर है, तो यहां पर आप देख सकते हैं वेंट इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं ही यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट 8 PM, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर जो है यहां पर टेक्स आ जाएगा, ठीक है, यहां पर टेक्स आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं वी इन दिस स्कूल फॉर 3 years, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं तो विल स्टडी है या फिर हैव स्टडी स्टडिंग आएगा, एम स्टडिंग आएगा, हैव स्टडिंग आएगा, तो इसमें क्या आएगा आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी आपको कमेंट करना है। बाकी यहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यदि आपको अच्छे से आता है ग्रामर पोर्शन तो आपको अच्छे से करना है। बाकी इसके लिए मैं आपको अलग क्लासेस जो है यहां पर अटेंड करूंगा, जिसमें आपको समझाना होगा कि टेंस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए कौन से है, पैसिव एक्टिव वॉइस के लिए कौन
कौन से हैं, बाकी प्रोनाउन यूज का है, आर्टिकल्स का है, यहाँ पर बहुत सारे है, प्रीपोजिशंस वगैरह, डिटरमाइनर्स है, इन सभी के लिए क्लास लगेगी जो कि ओनली फॉर सेक्शन सी को लेकर होगी। उस क्लास को जरूर आपको ज्वाइन करना होगा और उसमें फिर आपको पूरा का पूरा अच्छे से करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इसके लिए जो है ग्रामर सेक्शन है। बाकी सेक्शन डी में आपको वापस क्या दिखने को मिलेगा, यहाँ पर पैसेज दिखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस, लेकिन आपको गलती नहीं करना है, मैं गलती की है यहाँ पर, मैंने जो यहाँ पर इसको पढ़ा है, लेकिन आपको गलती नहीं करना है। सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वीट ब्रेड इज नॉन एज, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वीट ब्रेड इज नॉन एज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी जो स्वीट ब्रेड है उसको अक्सर क्या कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, बॉल कहा जाता है, डॉल कहा जाता है, रोल कहा जाता है, या फिर उसको पोल कहा जाता है। तो वैसे तो सिंपल ही है, इसको रोल ही कहा जाता है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको यहाँ पर इनका जो है यहाँ पर मीनिंग यहाँ पर पता कर सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वर्ड है वो कहाँ पर है, ठीक है ना, ये वर्ड यहाँ पर कहाँ पर है इसको आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ आया है, तो यहाँ पर ब्रेड नॉन इज द बॉल, तो यहाँ पर द बॉल आया है, तो यहाँ पर द बॉल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये ऑप्शन है वही आपको सही करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, ठीक है, तो यहाँ पर लेडी है, डॉटर है, किसने जो है यहाँ पर प्रिपेयर किया है, मेड या फिर मास्टर है, कौन है, वॉट इज मस्ट फॉर क्रिसमस एंड वॉट इज कबाई, क्या है कबाई क्या है, फाइंड आउट वर्ड मीनिंग्स, यहां पर मैंने वापस बता दिया है प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स का अर्थ होता है वर्तमान। अब ऐसा कौन सा पैसेज में शब्द आया है जिसका अर्थ क्या होता है, प्रेजेंट्स होता है, तो यहां पर ऐसा कौन सा शब्द है आपको फाइंड जरूर करना है, ठीक है, फाइंड आपको करना ही होगा कौन सा भी जो शब्द होगा, ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे ही लिखना होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको फाइंड करना है, या तो शब्द आया होगा नाउ आया होगा, ठीक है, जो नाउ है इसको भी आप रख सकते हैं या फिर और भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं एक है श्योर, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं इसको श्योर है, इसका अर्थ होता है खट्टा होता है, तो ऐसा कौन सा है जो यहां पर मीठा के लिए आया है, तो वो आता है स्वीट, ठीक है, स्वीट यानी क्या होता है मीठा होता है, तो इसके लिए ऑपोजिट हो जाएगा, यहां पर ध्यान रखना है ये ऑपोजिट पूछा गया है। बाकी नेक्स्ट पैसेज है, काफी अच्छी बात है कि ज्यादातर यहां पर पैसेज से क्वेश्चंस है, क्योंकि काफी पैसेज से आप अच्छे से अच्छी जो है मार्क्स स्कोरिंग कर सकते हैं, आपके लिए काफी बेनिफिट्स है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं एक बार हमारी 2-3 क्लासेस अटेंड करना है लगातार, और जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के लिए लगातार हमारे मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे वेबसाइट के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छी से अच्छी तैयारी करवाई, और 100% मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपके अच्छे यहां पर स्कोर बनने वाले हैं। जो मैं आपको यहां पर तरीका बता रहा हूं उसको आपको जरूर, अब मैं आपको सेक्शन डी में जो क्वेश्चंस वाला जो पोर्शन है यानी जो क्वेश्चंस वाला जो पार्ट है, जो टेक्स्ट बुक से जो आपकी टेक्स्ट बुक थी उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए, जो लेसन थे उनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उनको आपको अच्छे से रट लेना है, वही क्वेश्चंस 100% 16 मार्च 2023 के पेपर में आएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको पिछले दो वर्षों का जो विगत 2 वर्षों का आपको क्या करना है, इंग्लिश के पेपर लेना है, बोर्ड परीक्षा जो यहाँ पर 2022 के और 2021 के ले लीजिए, इनमें जिस लेसन से क्वेश्चंस पूछे गए उनको आपको क्या करना है, छोड़ के जितने दूसरे लेसन है उनको तो कंफर्म करना है, उन सभी के क्वेश्चंस उस लेसन के क्वेश्चंस को कंफर्म करना है अच्छे मार्क्स बनाने के लिए। और यदि आपको इंग्लिश में यहां पर कम ही आप जो है यहां पर आपका लेवल कम है, तो मैं आपको यहां पर बात बता रहा हूं, जैसे यहां पर द 100 ड्रेसेज है, ये जितने भी यहां पर लेसन दिए गए हैं, तो मैं आपको इनका जो है आपको यहां पर व्याख्या याद होनी चाहिए कि इस लेसन में ये कहानी थी, इस लेसन में ये लेसंस था, इसको ऐसे किया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए और इसको इंग्लिश में आपको बनाकर रखना होगा। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं एक कैरेक्टर वाला तो 100% 2 क्वेश्चंस आएंगे ही, तो यहां पर आप देख सकते हैं स्केच ऑफ वांडा, ठीक है, तो यहां पर इसी प्रकार से व्हाई डज द राइटर गो टू बासरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई, ये यहां पर मिसबिल द ऑटर जो वाला जो लेसंस था उससे क्वेश्चंस पूछा गया है। बाकी आपको स्टेंजा काफी इंपॉर्टेंट है, स्टेंजा के आपके 4 नंबर कहीं जाने वाले नहीं है, जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको कर लेना, आपको पता होना चाहिए जो जितने भी ये स्टेंजा वाले जो लेसंस है इनको आपको कंफर्म कर लेना, सभी जितने भी स्टोरी है ये जो स्टेंजा है ना वो कंफर्म कर लेना, इनका हिंदी अर्थ आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता होना चाहिए कितनी यहां पर 4-5 ही यहां पर स्टेंजा आपके है, ठीक है, तो इन 4-5 स्टेंजा का जितने ऑथर है जो लेखक है उनको आपको यहां पर नाम पता होना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो यहां पर स्टेंजा है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस फॉर्म
व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद विद दोज वो फेवर फायर. ये स्टेंजा है तो इसका रिम सिम स्कीम एंड वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द पोइम व्हाट द वर्ल्ड विल एंड इड एंड इन. इसको आपको पूरा का पूरा एक सेंटेंस में आपको बना के लिखना होगा. तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जितना भी इसका जो भावार्थ है ना वो आपको इंग्लिश में बनाकर लिखना होगा. ये एक इसका सिंपल तरीका हो जाएगा. बाकी दो यानी अथवा में आएगा तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. एक नहीं आ रहा है तो दूसरा तो आपको आ ही रहा होगा. नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वो द ट्री से पूछे जा रहे हैं एंड हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स डस्ट ऑफ स्नो. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं. बाकी चूज द करेक्ट आंसर. अब कुछ क्वेश्चन है वो यहाँ पर ऑप्शंस वाले भी आपको मिल रहे हैं तो अच्छी बात है. ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो ये जो है आपका एक प्लस पॉइंट है. बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर अब की बार क्वेश्चन फुटप्रिंट विदाउट फिट इस लेसन से यहाँ पर आ सकता है. ग्रिपिन वाज रेदर ए लोलेस प्रश्न एक्सप्लेन. ये जितने भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है और ऑफिशियल मॉडल पेपर से हमेशा 200-300 क्वेश्चंस जो है सेम हुबहू जो है यहां पर प्रश्न पत्र में छपते हैं. तो ये काफी इंपॉर्टेंट पेपर था. बाकी आगे भी क्लासें लगेगी हर सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए और भी आपको डिफाइन से पढ़ाया जाएगा और भी अच्छे से. आज शुरुआत थी यानी आज पहला वीडियो था आरबीएससी क्लास का जो कि आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा. आपको ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम चैनल वेबसाइट के माध्यम से जो जितने भी वहां पर मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उस पूरे के पूरे पेपर का वेब सॉल्यूशंस आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए.